हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। आज हम बनाने जा रहे हैं पर्पल कलर वाली बंद गोभी की सब्जी। बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रेसिपी। यहाँ पे मैंने बंद गोभी लिया था 500 ग्राम, इसको मैंने पतला पतला कट करके कढ़ाई में रख लिया है। जो हम फूलगोभी बनाते हैं उसमें कीड़े होते हैं, वो दिख भी जाते हैं, तब भी हम गोभी को गर्म पानी से उबालते हैं, तो सेम तरीका इस गोभी को भी क्लीन करने के लिए करेंगे। पानी डाल लेंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे, उलट पलट कर देंगे ताकि नमक अच्छे से मिक्स हो जाएगा। गैस ऑन करेंगे, गोभी को 2 से 3 मिनट उबाल लेंगे, इससे गोभी अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और साथ में थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाएगा। बंद गोभी में अच्छे से उबाल आने लग गया है, आप देख पा रहे होंगे गोभी अपना कलर भी रिलीज कर रहा है। एक ड्रेनर में रख के पानी से अलग कर लेंगे, कढ़ाई रखेंगे, कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई गर्म हो चुका है, 3 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से गरम होने देंगे, ऑयल गरम हो चुका है। एक तेजपत्ता को मैंने 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है, ऐड कर लेंगे। 2 सूखी लाल मिर्च तोड़ के ऐड कर लेंगे। 1/2 टीस्पून जीरा, जीरा को चटकने देंगे। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के आलू को छीलकर टुकड़ों में कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे। आप यहाँ पे कच्चे आलू की जगह पे उबला हुआ आलू भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ देर आलू को भून लेंगे। आलू हमारा हल्का सा भून चुका है, 2 प्याज को बारीक कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे। आलू प्याज को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते हुए कुछ देर भून लेंगे। आलू प्याज अच्छे से भून चुका है, 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। कुछ देर भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन के पेस्ट का कच्चापन निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने मसाला ले लिया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर लेंगे। सब्जी में ऑयल मिर्च मसाला की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ सेकेंड भून लेंगे, ड्राई मसाला ऐड किया है तो ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो ये जल जाएगा। 2 टमाटर को कट कर लिया है, ऐड कर लेंगे। नमक ऐड कर लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। 2 से 3 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे, बीच से कट कर लिया है, इसको ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को उलट पलट करेंगे अच्छे से। गैस का फ्लेम कम कर लेंगे, ढक्कन लगा देंगे और टमाटर के सॉफ्ट होने तक थोड़ी थोड़ी देर पे ढक्कन को हटा के सब्जी को उलट पलट करते रहेंगे। सब्जी चेक कर लेते हैं, बीच में मैंने 1-2 बार उलट पलट कर दिया था सब्जी को। आप देख पा रहे होंगे टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है और मैश भी होने लग गया है। अब गैस का फ्लेम हाई पे कर लेंगे और कुछ देर सब्जी को और भूनेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ले लिया है, ऐड कर लेंगे। बंद गोभी ऐड कर लेंगे। सारी चीज़ों को उलट पलट कर लेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल कम कर लेंगे, ढक्कन लगा देंगे और थोड़ी थोड़ी देर पे ढक्कन को हटा के सब्जी के अच्छी तरह पकने तक भूनेंगे। सब्जी चेक कर लेते हैं, उलट पलट करके देख लेते हैं। सब्जी में मैंने पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है, जो हमने टमाटर डाला था और जो गोभी के पत्तों में नमी थी सब्जी उसी से पक चुकी है। आलू चेक कर लेते हैं, आलू अच्छे से पक गया है। बंद गोभी पहले से हल्की सी उबली हुई थी तो गैस का फ्लेम हाई पे कर लेंगे और कुछ सेकेंड भून लेंगे सब्जी को ताकि सब्जी में नमी और कम हो जाए। हमारी पर्पल कलर की बंद गोभी की सब्जी बनके बिल्कुल रेडी है। गैस को ऑफ कर लेंगे। अपने पसंद के अनुसार इसे आप चावल दाल के साथ, रोटी पराठे के साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी होता है। तो आप भी इस तरीके से एक बार पर्पल कलर की बंद गोभी जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।